हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत सिंह मौत मामले में एक और नया खुलासा हुआ है, और वो खुलासा ये है कि संदीप सिंह, जो खुद को सुशांत का दोस्त बताता था, वो सुशांत की मौत वाले दिन वहां पर पहुंचा। उसके अगले दिन जब उनका क्रीमेशन हो रहा था वहां पर मौजूद था। एम्बुलेंस को जो बुलाया गया था जब सुशांत की डेड बॉडी को निकालने के लिए, तो वो वहां पर मौजूद था। उसी ने एम्बुलेंस वालों से बात की है, और उसके बाद भी दो तीन दिनों तक एम्बुलेंस वालों से बात होती रही है। आखिर क्या ये माजरा है? अक्षय जो उस एम्बुलेंस को लेकर के वहां पर सुशांत के घर गए थे, सुशांत की डेड बॉडी को लेकर के आए थे ऊपर अस्पताल तक, अक्षय हमारे साथ में है। अक्षय, एक कॉल वो रिकॉर्ड चल रहा है कॉल CDR जिसमें निकला है, उसमें संदीप सिंह आप लोगों से लगातार बातचीत कर रहा है। अगर 14 तारीख को डेड बॉडी आप ले आए थे अस्पताल, तो फिर उसके बाद क्यों बात? सर हमको तो ना पुलिस वाले ने हायर किया था, हम पुलिस वाले के हायर के ऊपर ही जाते हैं, ठीक है। तो हम उधर गए, और जिस दिन मैं उस दिन मैं उधर गया कुपोर हॉस्पिटल में जब मैं पहुंचा तो बॉडी वगैरह उनका पंचनामा वगैरह सब चालू था, कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में सब चालू था। तो जो हमारे ऑफिसर है उनका मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया था, बंद हो गया था मोबाइल। तो मेरे मोबाइल से उनने क्या किया, अक्षय क्योंकि उनको मैंने मेरा मोबाइल दिया, उन्होंने बोले मेरे को पंचनामा के लिए उनके सिस्टर को बुला के लेने का है। और वो संदीप सिंह कौन है वो मुझे पता नहीं था, क्या क्या है क्या नहीं वो मुझे कुछ पता नहीं था। तो उस मतलब मेरे मोबाइल से उसको फ़ोन किया और उनको बुला के ले लिया। और जब ऑफिसर ने हमको बोला भाई आपका बिल इनसे लेना है, तब मुझे मैं उनसे कॉन्टेक्ट करते रहे। तो सबसे पहला सवाल कि आपको जब आप जो सुशांत के घर पे डेड बॉडी लेने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान कॉल किसने किया था? पुलिस ने, संदीप ने? पुलिस ने किया था मुझे फोन। हाँ, बाकी मामलों में भी पुलिस ही बुलाती है? टोटल हमको पूरा बैंड्रा से लेके पूरा बैंड्रा का हमको पुलिस ही करता है फोन, ठीक है। हाँ। उसके बाद जब आप वहां पर पहुंचे, तो उसके बाद आपको ये किसने कहा कि कूपर अस्पताल ले जाओ, क्योंकि और भी जो है हीरानंदानी अस्पताल पास में है? नहीं, वहाँ नहीं बोले हमको, हमको जो हायर करते हमको जो काम बताते हम उसके ऊपर ही अटल रहते। जो हम, हाँ, पुलिस वाले ने बोला आप गाड़ी में डालो, गाड़ी में से आप डायरेक्ट ऊपर हॉस्पिटल आप लेके जाओ, ठीक है। बस हमको इतना, ठीक है। और उस दौरान जब आपने बॉडी को वहां पर उतारा, उस दौरान आपने पैसा नहीं लिया? नहीं, उस टाइम हमको पैसा नहीं मिला। हमको पुलिस वाले ने बोला आपका जो भी पेमेंट है एम्बुलेंस का उनसे सामने बात करा के दिए, बोले अब आप जो है आपका एम्बुलेंस वाले से आप बात कर लो पेमेंट का जो भी है। तो उन्हें वो सर, मुझे नाम नहीं मालूम उनका, तो जो सर है तो बोले भाई आप मुझे ये नंबर है मेरा, ये नंबर पे मुझे आप व्हाट्सअप कर दो बिल, मैं आपको बिल पेड कर दूंगा। हाँ, वो बिल आपने कितने दिनों बाद जो है व्हाट्सएप? कुछ दो तीन दिन के बाद ही उसको मैंने शायद व्हाट्सएप किया मैंने। सबके बीच में क्या संदीप, जो जिनका आप उस समय आप कह रहे हैं आपको नाम नहीं पता था, हाँ, जो पुलिस वालों ने मिलवाया था, हाँ, उस बीच में उन्होंने अपने आप भी आपको फोन किया है? नहीं नहीं, मैंने खुद फोन किया था उनको मेरे बिल के लिए। अच्छा, मेरे पैसे के लिए। हाँ, लेकिन आपने अपने आप नहीं किया? नहीं, उन्हें मैं उनको पहचानता भी नहीं हूँ, संदीप सिंह करके। कल वो उनका चल रहा था तो मैंने उनको देखा हो, तो मैंने उनको बोला सर मेरा बिल दे दो, तो बोले ठीक है सर मैं आपका बिल दे दूंगा। बस इसके लिए मैंने उनको एक दो तीन बार मैंने उनको फोन किया हो। और अभी जो आपने दिखाया है कि आपने बाकायदा बिल उनको व्हाट्सएप भी किया हो, और मुझे 8-9 दिन के बाद मुझे बिल वो बैंड्रा में आके उनके कोई फ्रेंड थे उनने आके मुझे इधर फोन करके मेरे को 8,000 रुपए का पैसा था। वो किसने दिया था? संदीप ने अपने आप दिया था या किसी और ने? कोई दूसरे थे वो, मैं भी उनको नहीं जानता हूँ। मुझे इधर उधर बुलाए, मैं वहाँ गया बैंड्रा चौकी के पीछे एक हेडशॉट करके BMC है, उधर गया मैं, उधर जाके मैंने उनको वो बिल ले लिया कैश पेमेंट ले लिया। मतलब आप लोगों की संदीप से जब बॉडी लेकर आए हैं उसके बाद से कोई मुलाकात भी नहीं हुई? कुछ नहीं मुलाकात, मैं पहचानता भी नहीं हूँ संदीप क्या नाम उनका मैं भूल जाता हूँ, संदीप सिंह उनको मैं पहचानता भी नहीं हूँ, वो ने क्या है उनको मैं जानता भी नहीं हूँ। बस ऐसे में आप क्या कहेंगे जो लगातार ये सवाल उठ रहा है कि अरे एम्बुलेंस वालों से क्यों बात कर रहे थे, ये तो जो संदेह के घेरे में है, कुछ गड़बड़ है, हाँ। क्या कहेंगे आप? मैं तो वही बोल रहा हूँ सर, मेरा बिल के लिए मैंने उनके लिए पेमेंट के लिए मैंने उनको फोन किया था। मेरे को पुलिस वाले बोले बाबा आपका जो भी बिल है आप इनसे बात कर लो, ये कॉन्टेक्ट करके आप जो, तो उन्होंने बोले मेरे को कोपर हॉस्पिटल में आपको बिल मिल जाएगा, आप मुझे बिल आपका व्हाट्सअप कर दो। और उस टाइम उन्होंने मेरे को वो बोले भी आपका गूगल पे क्यों पेटीएम वगैरह कुछ है क्या? तो मैंने बोला सर मेरे वो सब की यूज करता नहीं हूँ, क्योंकि इतना बड़ा तो क्या है नहीं है मेरा। तो मैंने उनको
दो तीन दिन के बाद ये व्हाट्सएप किया मैंने उनको बिल। ये बिल्कुल ये संदीप सिंह का नंबर है जिस पर जो है इनका ये कहना है अक्षय का कि इन्होंने बिल व्हाट्सएप किया और बिल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये बिल इन्होंने व्हाट्सएप किया है और यही कहा था कि पेमेंट कर दिया जाए। इसके जो दो तीन दिन बाद आपको पेमेंट मिला है? एक 7-8 दिन के बाद मेरे को 9 दिन के बाद पेमेंट मिल गया उनका, मतलब 14 तारीख के बाद में 8-9 दिन के बाद। हाँ, 18 तारीख का बिल है इन्होंने। हाँ, तो उसके बाद 8-9 दिन के बाद मुझे 8-9 दिन के बाद हाँ मुझे बिल मिला 26-27 के आसपास। हाँ, साफ तौर पर जो ये एम्बुलेंस चलाते हैं इनका ये कहना है कि हमको तो पता भी नहीं कि वहां पर कौन कौन है। ये जरूर पता था क्योंकि सुशांत सिंह सुपरस्टार हैं तो उनकी डेड बॉडी लेकर के कूपर अस्पताल गए हैं। कूपर अस्पताल पहुंचे हैं तो वहां पर कोई पेमेंट देने वाला नहीं था। पुलिस ने एक शख्स से मिलवाया, वो शख्स कौन था इनका ये कहना है कि हमको पता भी नहीं था क्योंकि पुलिस ने कहा कि आप इनसे पैसा ले लीजिएगा। उसके बाद उस शख्स ने इनसे कहा कि ठीक है आप जो भी बिल होता है मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको पेमेंट कर देंगे। 18 तारीख को इस सबके बीच में 2 दिनों तक जो है इनके बीच में बातचीत होती रही। आपने बिल 18 को भेजा लेकिन सबके बीच में बातचीत 2 दिन फिर क्या हो रही थी? बिल के लिए मेरी बात हो रही थी सर, मेरा सर बिल भेजो करके मैंने उनको वो व्हाट्सएप पे बिल भेजने के बाद उनको मैंने वो भी किया सर मेरा बिल दे दो। बिल आपने 18 को भेजा लेकिन जो बातचीत है वो 15-16 को हुई ना? हाँ बातचीत उसके हाँ बात बिल का ही हुआ। अभी वो बोले को बोले भाई आप मुझे व्हाट्सएप कर दो बिल, मैं आपको बिल ये कर देता हूँ। साफ तौर पर जो बात हुई वो बिल को लेकर के हुई, इन्होंने 18 तारीख को बिल भेजा और उसके 8-9 दिन बाद इनको पैसा मिला है। और साफ तौर पर अक्षय का ये कहना है कि उनको पता भी नहीं था आखिर वो संदीप सिंह है कौन। अब जबकि खबरों में सामने आया कि वो संदीप सिंह और एम्बुलेंस वाले की बात हो रही थी तो अक्षय सामने आए हैं और इनका यही कहना है कि पुलिस के कहे मुताबिक इन्होंने बॉडी को कूपर अस्पताल पहुंचाया, पुलिस ने जिससे कहा कि उससे पैसा लेना है उस शख्स को बार बार कॉन्टेक्ट करते रहे और उसे 8-9 दिन के बाद पैसा मिला और पैसे और बिल के संबंधी बातचीत हुई है 15 और 16 तारीख के दौरान। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, मुंबई।